बात हमारे विषय की आती है, यह पहला ऐसा सब्जेक्ट है, यह पहला ऐसा विषय है जिस पे हम मन लगा के काम कर रहे हैं। इसके पहले अगर बहुत कंपनियां बहुत नेटवर्क हम लोग किए, लेकिन जो मान सम्मान इस सिस्टम इस विषय में मिला है ना, दूसरा कहीं हमको नहीं मिला। ये पहली ऐसी कंपनी, ये पहला ऐसा प्रोडक्ट है कि हम जहां भी जाते हैं एक आईडी लेके और मिलता है 5 से 10 आईडी। सही है दीदी, सही है ना। हम एक आईडी के लिए जाते हैं और अगर बढ़िया मोटिवेशन हुआ, बढ़िया फील्ड बनी हमारी, तो 5 से 10 आईडी निकलती है। अदर कंपनियों में एक एक आईडी के लिए 200 का पेट्रोल जल जाता है, लेकिन आईडी शाम तक नहीं मिलती। यानी हम लोग एमएलएम मार्केट का पूरा सिस्टम ही चेंज करने वाले, बदलने वाले। जिस एमएलएम से लोग जलते थे कि इसमें भविष्य नहीं है, इसमें लाइफ नहीं है, आज वह इतिहास दूसरा हो रहा है कि पहली ऐसी नारीतम कंपनी होगी जहां एमएलएम के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। अब आप जब फील्ड में जाइए तो सबसे पहले भूमिका इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि हम भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी योजनाएं, जैसे 126 योजनाएं भारत सरकार के अंतर्गत चल रही है, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे, सुलभ शौचालय, साफ सफाई, हरा डब्बा नीला डब्बा, उसके बाद आता है महिला सशक्तिकरण, प्लास्टिक मुक्ति, ये सारे सिस्टम, ये सारी योजनाएं। आप 7 से 5 योजनाओं का नाम फील्ड में बता सकती हैं। उसके बाद हम इन अपने बिंदु पे आते हैं नारीत्वम परिवार पे। नारीत्वम परिवार एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा विषय है जहां हम प्लास्टिक मुक्त भारत बना रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण कर रहे हैं, अपनी मां बहनों के स्वास्थ्य के प्रति काम कर रहे हैं। ये पहला ऐसा विषय है कि हम एक विषय को लेकर 5-5 विजन के काम कर रहे हैं। यह पहली ऐसी कंपनी नारीत्वम है। अब बात आती है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का विमान होने का कारण आप बताइए। फिल्म में वो यूं होता है कि जैसे जो महिला और पुरुष के बॉडी का स्ट्रक्चर, जो बनावट होती है, वो अलग होती है। सबसे पहला बीमारी का कारण तो यही है कि जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये कुछ पुरुषों से अलग होता है, और पुरुषों का जो हार्मोन चेंजिंग का सब्जेक्ट होता है, समय होता है 25 से 35 से 55 साल के अंदर 3 बार हार्मोन चेंज होते हैं, जबकि महिलाओं में यह 16 से 20 बार होता है। उससे भी ज्यादा दिक्कत यह है कि आज स्वास्थ्य के प्रति देखा जाए तो 82% अभी कल परसों की एक न्यूज आई है, जो 82% आज भी हमारी माँ बहनें 15 साल से लेके 45 साल तक की हमारी माँ बहनें गंदे कपड़े का इस्तेमाल कर रही हैं। हम आजादी के 75वें साल भी बना रहे हैं, लेकिन अभी भी शिक्षा, अभी भी जो जागरूकता का अभाव है, शून्य के बराबर ही है। रही बात अगर कुछ जागरूकता की, कुछ अगर जागरूकता बढ़ी भी तो सिर्फ 15%, और इस 15% से ट्रीपैड का जो इस्तेमाल आप हमारी समाज की मां बहनें करती हैं, वह गंदे कपड़े से भी डेंजर, गंदे कपड़े से भी खतरनाक है, क्योंकि वो है प्लास्टिक। जो सर्टिस्पैड मार्केट में आज उपलब्ध है वो प्लास्टिक और रुई के बने हुए, और आप लोगों को मालूम होगा कि प्लास्टिक गर्म और रुई भी गर्म, यह दोनों प्रक्रिया गर्म, और जो हमारी माँ बहनों के शरीर से ब्लड आता है वो भी गर्म। गर्म होने के कारण बैक्टीरिया एक्टिव होती है और बीमारी की शुरुआत वहीं से शुरू हो जाती है। पहला जो प्लास्टिक की भी इन्फेक्शन होता है, वह 3 प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बीमारी की शुरुआत 14 साल की जब हमारी बहन होती है, जब फर्स्ट पीरियड आता है तभी हो जाता है, मालूम होता है 7 से 8 साल जाते जाते जब हमारी बहन की शादी हो रही है, वहां जाने के बाद जब तरह तरह की बीमारियां सामने, जब अल्ट्रासाउंड हो रहा है तब मालूम है। तो ये नारीत्वम विषय है, नारीत्वम का सब्जेक्ट है, सबसे बेहतर है। आप माँ बहनों से यही निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों से संपर्क करें, और हम लोग पूरा फील्ड, पूरा लीडर, पूरा कंपनी आपके साथ है। कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर जरूरत पड़े तो आप लोग हम लोगों से तुरंत कॉल करें, हम लोग मीटिंग सीटिंग आप लोगों का साथ देने के लिए तहे दिल से लगे हुए हैं।
रही बात एमएलएम नेटवर्क की, आप लोग मन से जुड़िए, मन से काम कीजिए। इसमें ऐसा है कि कुछ दिन और दिक्कत है, उसके बाद फिर कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी कि कितना बढ़िया यह काम है। आने वाले समय में नागरिकों के लिए सबसे बेहतर होने जा रहा है, एक दो महीने में बहुत ही बेहतर हो जाएगा। जो उसके बाद लोग पछताएंगे कि शायद मैं भी पहली जुड़ी होती तो आज मैं भी कुछ अच्छा इनकम करती। देखिए शुरुआत थोड़ा कठिन होता है, आप जब शुरू की होंगी तो लोग तरह तरह की बातें किए होंगे, तरह तरह के शब्द कहे होंगे, लेकिन देखिए सीता को भी सहना पड़ा, अहिल्या को भी सहना पड़ा, ममता बनर्जी जी सह रही है, मायावती जी भी सही है, लेकिन क्या वो लोग अगर छोड़ देती सिस्टम तो आज वहां तक पहुंच पाती? तो कुछ पाने के लिए ना हमें थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, तो लोगों का सुनना कम कीजिए। वो घोड़े की तरह जो घोड़े के आई कंडक्ट जो ये लगा होता है पट्टी, जब तक हम इस पट्टी को नहीं बांधेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी चल शब्दों के साथ जय हिंद जय जय। बहुत अच्छा लगा, ठीक है।